हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे प्रॉन्स फ्राई। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाली ये रेसिपी है, जो भी एक बार खाएगा बार बार बनाएगा। तो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पर मैंने आधा किलो प्रॉन्स लिए, तो ये बड़े छोटे मीडियम साइज़ दोनों ही है इसमें। इसको मैंने क्लीन करके एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए, और इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है दबाकर, ताकि इसमें पानी जो है निकल जाए आसानी से, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है और इसमें एक वेन भी होती है, उसे क्लीन करना होता है। और मैंने इसे देख सकते बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है इन फिश को। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे जिससे हमारा जो फिश है बहुत ही मज़ेदार सा बने। तो यहाँ पर एक चम्मच मैंने ले लिया है फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आधा चम्मच से भी थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, नमक ले लेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो ये फ्राई होने के बाद थोड़े छोटे हो जाते हैं तो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। उसके बाद ऐड कर लेंगे थोड़े से करी पत्ता, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद दो से तीन हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। अब इसका जायका और बढ़ाने के लिए मैंने एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया है, साथ में एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ पर एक मुट्ठी हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर लेना है, इससे हमारा जो प्रॉन्स है बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसके बाद एक से डेढ़ चम्मच लेमन जूस ऐड कर लेंगे हम, और इसे अच्छी तरीके से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे ताकि सब मसाले फिश में अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए इस तरह से हाथों से ही मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसकी बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक से डेढ़ चम्मच कॉर्न फ्लोर और कॉर्न स्टार्च, इससे फिश में क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, साथ ही साथ जो मसाले हैं फिश को अच्छी तरीके से पकड़ के रखेंगे। तो उसके बाद हम क्रिस्पीनेस के लिए ऐड कर लेंगे एक चम्मच चावल का आटा, बस इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से ही अलट पलट करते हुए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हाथों से ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो चलते हैं अब इसे फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है और उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और एक एक फिश ऐड कर लेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है वरना फिश डालते ही एकदम जल्दी से कड़क हो जाएगा और रबर की तरह हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे फ्राई करना है। इसको फ्राई होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तेल का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए तो ये फिश बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। ऊपर से क्रिस्पी लगेगी और अंदर से आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, साथ ही साथ ये प्रॉन्स की तरह ही लगेंगे अच्छा सा और एक क्रंचीनेस आएगा। तो एक साइड से ये पक जाए, इस तरह सा कलर आ जाए, तो इसे हम पलट लेंगे और इसके वो होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, तो बस इन्हें हम पलट लेंगे इस तरह से। तो इन सबको मैंने पलट लिया है और दूसरी साइड से भी देखिए ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं फ्राई होने के लिए, टोटल 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ही अच्छा क्रिस्प आया है और अंदर ये बिल्कुल भी सॉफ्ट देखने से ही समझ में आ रहा है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन सभी फिश को निकाल लेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें। तो अब बाकी जो प्रॉन्स बचे हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे एक एक करके ऐड करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरा और बहुत ही चटाकेदार हमारा प्रॉन्स फ्राई तैयार है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करना ना भूलें। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त फ़िश करी की रेसिपी, जो बनाने में आसान और खाने में ये इतनी टेस्टी है और इतनी लाजवाब है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से,
और देखना आपका फिश करी बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने बांगड़ा फिश ले लिया है, आप देख सकते हैं ये थोड़े से बड़े साइज में है, तो इसमें आप दो या तीन टुकड़े करके इस फिश को काट सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रखा रखूँगी। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इसे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको मैंने नमक और आटे से बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसमें सारी स्मेल वगैरह निकल गई है। साथ ही मैंने इसमें दो से तीन चीरा लगा लिया है ताकि जो मसाले हैं अंदर तक जाए और दिखने में भी हमारी फ़िश अच्छी दिखे। तो इसे सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे क्योंकि हम इसे फ्राई करके बनाएंगे। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। आधा चम्मच नमक ले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर हम लेमन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये फिश जो है ऑलरेडी हल्की सी खट्टी होती है। तो इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे, जो मसाले अच्छे से लगा लिया है मैंने, और चलते हैं इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, उसके लिए दो बड़े चम्मच तेल ले लिया है मैंने। तेल को पहले अच्छे से गर्म होने के बाद ही फिश ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने फ़िश को ऐड कर लिया है वन बाय वन। फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम रखा है, तो एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। विद इन अ टू मिनट्स ये देखिए फ्राई हो चुके हैं और इसके साइड मैंने चेंज कर ली है। तो दोनों साइड से ये देख सकते हैं आप फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो बाकी जो बचे हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तब तक एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, दो मीडियम साइज़ के प्याज, इसको छोटा छोटा कट करके ऐड कर लेंगे। तीन टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको भी छोटा छोटा कट करके ऐड कर लेना है। साथ ही साथ ऐड कर लेंगे हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं या फिर लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने लिया है लहसुन और आधा इंच अदरक कटा हुआ। लहसुन की क्वांटिटी 7 से 8 होगी और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया, एक मुट्ठी हरा धनिया और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल लिया है। आप गीला नारियल भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे अच्छे से पीस लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। मछली को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था उसे मैंने छानकर इसमें ऐड कर लिया है, और सारा नहीं ऐड किया है, सिर्फ एक बड़ा चम्मच ऐड किया है। उसके बाद ऐड कर लेंगे 1 चम्मच राई और थोड़ा सा करी लीव्स। राई को कड़कने देंगे और उसके बाद आधा प्याज ऐड कर लेंगे। यहाँ हम प्याज सिर्फ बघार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज को मिला लेंगे और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही टेस्ट आएगा। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे। मिक्सर जार को भी थोड़ा सा पानी ऐड करके सारा इसमें ऐड कर लेंगे और मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है और अब इसमें ऐड कर लेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 चम्मच में यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है, आधा चम्मच कुटा भुना ज़ीरा पाउडर, मिक्स कर लेंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं मसाले बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं क्योंकि तेल जो है सरफेस पे आ गया है। मिला लेंगे। तो मच्छी में खट्टापन ना हो तो मच्छी खाने का मज़ा नहीं आता है, तो इसके लिए ऐड कर लेंगे इसमें हम थोड़ा सा इमली का पल्प। तो मैंने थोड़ा लेट भिगाया था इसके लिए पल्प अच्छी तरीके से निकला नहीं, लेकिन जब आप इसे बनाना शुरू करें तभी इमली को भिगो दीजिए। तो थोड़ा सा ऐड कर लिया है, अब इसको मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी ग्रेवी जितनी भी ज़्यादा रखना चाहते हैं उस हिसाब से फिर पानी ऐड करिएगा। मिक्स कर लेंगे और इसे हम बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए, ग्रेवी में बॉयल आ जाए, तो हम इस फिश को ऐड कर लेंगे वन बाय वन। तो सारे फिश को इसी टाइम पे ऐड कर लेना है और इसे एडजस्ट करते हुए हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे ढककर स्लो आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 6 से 7 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारी फ़िश का लुक। बस मिक्स कर लेना है इसे
और देखिए हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेवी का गाढ़ापन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब था कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए इसे कर लेते हैं गार्निश हरे धनिए से। तो ये हमारी ज़बरदस्ती पांगड़ा फिश करी तैयार है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप सर्व कर सकते हो गर्मा गर्म राइस के साथ या फिर ट्राई कर सकते हैं रोटी पराठा या नान के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हमारी पांगड़ा फिश करी तैयार है। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। तो आज हम बनाएंगे सुरमई फिश फ्राई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटाकेदार टेस्टी रेसिपी है ये, इसको ज़रूर से ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसको मैंने घर के ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके बनाया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी को। सुरमई फिश फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए सुरमई फिश। तो फिश को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है नमक और आटा लगा के। इससे धोने से इसकी जो स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है और इसको मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो सारा कुछ ड्राई हो जाए। तो अब इसको करते हैं मैरिनेट। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच फिश फ्राई मसाला सुहाना का यूज़ किया है, उसके बाद ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर लेंगे इसमें 1/2 लेमन निचोड़ के। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच बेसन, साथ ही साथ क्रिस्पीनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर लेंगे। इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए 1 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से मसाले से कोट कर लेना है। फिश को मसाज करते हुए मैंने इसमें कोट कर लिया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इनमें अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है। तो अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ और इसको फ्रिज में रख दूँगी और 15 से 20 मिनट के बाद इसको फ्राई करेंगे। तब इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्रिज में से इन्हें निकाल लिया है। तो अब चलते हैं इन्हें हम कर लेते हैं फ्राई। तो इसे हम शैलो फ्राई करेंगे और गैस ऑन करके हम एक पैन रख देते हैं। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल में अच्छा सा गर्म और धुआं आने के बाद हम एक एक फिश ऐड कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है और एक एक फिश इस तरह से ऐड कर लेना है। जब ये एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए, कलर चेंज हो जाए, तब हम इन्हें इस तरह से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड अच्छी तरीके से पक चुकी है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है और इसका क्रिस्पीनेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस इन्हें मैंने पलट लिया है। दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसमें एक क्रिस्पीनेस और इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 8 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इस फिश को फ्राई करने के लिए। तो एक फिश हमारी फ्राई हो चुकी है और हमने निकाल लिया है और बाकी जो 2 फिश है उसको मज़ीद 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसकी जो थिकनेस है फिश की वो ज़्यादा है। तो इसको और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इनका जो कलर था वो भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी ये फ़िश फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो बाकी जो फ़िश बचे हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। सभी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और अंदर बिल्कुल भी जूसी। तो मेरे तरीके से एक बार ये फ़िश फ्राई करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आज बनाएंगे हम बांगड़ा फिश फ्राई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा,
उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 5 हरी मिर्ची जो कि लाल हो गई है, उसके बाद ऐड कर लेंगे जो धनिए की डंठल होती है उसे ऐड करके इसे पीस लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में पिसा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ मैं, और साथ ही साथ 1 चम्मच चावल का आटा, इससे ये क्रिस्पी होगा। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच कुटा भुना जीरा पाउडर और उसके साथ 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैं फिश फ्राई मसाला ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली का पल्प ना हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाए। यहाँ पर मैंने 5 पीस बांगड़ा फिश लिया है और इसको बीच बीच में से चीरा लगा लिया है ताकि जो मसाले हैं अंदर तक जाए। अब हमें हाथों से एक एक फिश को लेना है और मसाले को अच्छी तरीके से फिश के ऊपर मसाज करते हुए इसके कट्स वगैरह में पूरी तरह अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरीके से कोट कर लिया है हर एक फिश के ऊपर। अब 10 मिनट के लिए इसे हम मैरिनेट होने देंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है और इसको गरम गरम तेल में ही फ्राई करना है। विद इन 2 और 3 मिनट्स में ये फ्राई हो जाते हैं, तो गरम गरम तेल पे इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसके एक साइड 2 मिनट में फ्राई हो गई है, तो बस इसके साइड्स को हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड्स को भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है मैंने, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस इन्हें मैंने निकाल लिया है और बाकी जो फिश है उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी फ़िश बहुत ही जल्दी से और बहुत ही झटपट से फ्राई होके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।